बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल तन्नू किचन। चलिए आज हम बना लेंगे दुपक बड़ियों की कड़ी। ये 250 ग्राम बेसन ले लिया हम लोग, एक मुट्ठी इमली भिगने रख दिए थे पहले ही, दो मीडियम साइज की प्याज चॉप करी हुई, दो टमाटे चॉप करे हुए। चलिए बनाना शुरू करेंगे दुपक बड़ियों की कड़ी। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ डालने के टाइम। सबसे पहले हम बड़ियों का आटा रेडी कर लेंगे। एक कटोरे में चॉप्ड प्याज ऐड कर लेंगे, आधा बेसन ऐड कर लेंगे इसमें प्याज में, आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे, जीरा घर में भून के ग्राइंड कर लिए, सही आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे, दो मुट्ठी हरा धनिया ऐड कर लेंगे, एक हरी मिर्ची चॉप करी हुई। अब हम ये आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बड़ियों के बैटर को अपने को घट भिगाना है, पतला नहीं भिगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से बड़ियों का बैटर रेडी कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल अपने को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें बड़ियों में। ये देखिए बड़ियों का बैटर बनके रेडी हो गया। घट रखना है हमने बड़ियों का बैटर। अब हम बड़ियों के बैटर को स्टीम दे देंगे। एक भगोने में हम आधा भगोना पानी रख देंगे गरम को, इसके ऊपर से एक कॉटन के कपड़े को भगोने के ऊपर से अच्छे से बंध देंगे टाइट, क्योंकि अपने को बड़ियों के बैटर को स्टीम देना है, इसलिए अच्छे से बनना है अपने को कपड़े को कॉटन के। ये देखिए इस तरीके से कॉटन के कपड़े को भगोने के चारों तरफ से अच्छे से कवर करके टाइट बंध देंगे। अब हम ये बड़ियों के बैटर से कबाब के शेप्स बना लेंगे। इसको इस तरीके से कपड़े के ऊपर रख देंगे स्टीम देने के लिए। नेक्स्ट स्टेप भी ऐसे ही फॉलो करना है अपने को, इस तरीके से स्टीम दे देंगे बड़ियों। इसको अपन धातर भी बोल सकते हैं या स्टीम भी बोल सकते हैं, अपनी मर्जी। नानी ये बड़ियों को धातर देना बोलते थे, अब ये स्टीम बोल रहे हैं हम। अब हम इसको अच्छे से स्टीम दे देंगे, पानी पके जब तक 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। बढ़िया अच्छे से स्टीम हुए जब तक हम कढ़ी रेडी कर लेंगे। एक लगन में हम 2 से 3 चम्मच तेल गरम को रख देंगे। तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिए, दुबुक बड़ियों की कड़ी बहुत ही बेहतरीन बनती। अगर मेरे रेसिपी से आप लोग अच्छे दिख रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। ये देखिए दूसरी तरफ अच्छे से स्टीम हो रहा है, बढ़िया। आधा कप पानी ऐड कर लेंगे। अब हम ये टमाटरों को 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे ढक्कन ढक के। ये देखिए 10 मिनट हो गए, टमाटर अच्छे से भुने गए। अब हम इसमें इमली के खट्टे का पानी ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक मुट्ठी करियापाक भी ऐड कर लेंगे, एक मुट्ठी हरा धनिया ऐड कर लेंगे और एक कप पानी ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये खट्टे के पानी को 10 से 15 मिनट फुल फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। नमक थोड़ा कम दिख रहा है, ऐड कर ले तुम्हें नमक।
ये देखिए बढ़िया अच्छे से स्टीम हो गए, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए बढ़िया, अब हम ये बढ़ियों को पीसेस में कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बड़ियों को अच्छे से पीसेस में कट कर लिया हमने। अब हम ये बड़ियों को तल लेंगे। एक पैन में आधा कप तेल गरम को रख देंगे। अब हम एक कटोरे में 2 चम्मच बेसन को अच्छे से घोल लेंगे। बेसन अपने हिसाब से घोल लेने का रहता, कढ़ी अपने को गाढ़ी या पतली होने का है तो वो हिसाब से घोल लेना है बेसन। थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे इसमें। ये बेसन घुलने के टाइम लम्स जरे भी नहीं रहना है बेसन में, अच्छे से घुलना है अपने को पानी में बेसन। ये देखिए खट्टे का पानी अच्छे से पक गया। अब हम जो बेसन घोल लिए थे वो पानी को ऐड कर लेंगे, खट्टे के पानी मीडियम फ्लेम पे रख के ऐड करना है अपने को, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आधा कप पानी ऐड कर लेंगे। एक चम्मच अमूल की क्रीम ऐड कर लेंगे। क्रीम डालना ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये डालना। थोड़ा हरा धनिया ऐड कर लेंगे। अब हम ये कढ़ी को 10 मिनट फुल फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। 2 हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे बीच में से कट लगा के। माशाल्लाह कितनी बेहतरीन दिख रही कढ़ी, आप ना भी इस तरीके से बना के देखिए। अब हम ये कढ़ी को फुल फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम एक एक बड़ी की पीसेस को अच्छे से तल लेंगे मीडियम फ्लेम। ये बड़ियां बहुत ही अच्छे से स्टीम हुए इसलिए अच्छे से तले जा रहे। बहुत टर्न कर लेंगे बड़ियों को। ये देखिए अच्छे से तलेगा बढ़िया। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ कढ़ी भी अच्छे से रेडी हो गई। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब बढ़िया तले बाद इसमें ऐड करके बढ़िया मैं बघार के दिखा दूंगा फिर आप कढ़ी। ये देखिए बढ़िया अच्छे से तले गए माशाल्लाह। अब हम ये बढ़ियों को कढ़ी में ऐड कर देंगे माशाल्लाह। आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिए दुबुक बढ़ियों की कढ़ी। अब हम ये कढ़ी का बघार रेडी कर लेंगे। जो बढ़िया तल लिए थे वही तेल में हम 1 चम्मच जीरा ऐड कर लेंगे। 1 मुट्ठी करिया पाक ऐड कर लेंगे। 4 से 5 सूखी मिर्ची भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए बघार अच्छे से रेडी हो गया। इसको हम कढ़ी में ऐड कर देंगे बघार को माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह दुबुक बड़ियों की कढ़ी बन के रेडी हो गई। आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिए। ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन दिख रहे बढ़िया। ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह।